प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम कर रहे थे, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अब तक आपने इंतज़ार किया और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ बच्चों कि मैं पूरा सिलेबस जो है वो पूरा कर सकूँ। तो इसी बीच हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 6 है बच्चों, एक्सरसाइज ये जो है अपनी कठिन अवकलन, मतलब 5C कठिन अवकलन जो है उसका एग्जाम्पल 5 अपन कर चुके थे। एग्जाम्पल नंबर 6 से अब मैं कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा प्यारे प्यारे बच्चे पूरी तरीके से समझ पाए। तो बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो हल करके हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप सबको पता है, हम यहाँ लिखते हैं हल और बोलते हैं दिया है। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, दिया है या फिर गिवन है, है ना बच्चों, गिवन है। तो क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। क्या बच्चों, y इज इक्वल टू टैन इनवर्स x। तो हमें क्या क्या करना है, ध्यान दो, यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमें दो बार अवकलन करना है प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना बच्चों। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, और अवकलन करना मतलब मैंने क्या बोला है, डी अपॉन डी एक्स लगाना, तो हो जाएगा बच्चों टैन इनवर्स x। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप जरूर कहिएगा, और सभी बच्चे जानते हैं, सिंस वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स टैन इनवर्स x क्या होता है बच्चों, होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हमें एक बार अभी और अवकलन करना पड़ेगा। तो पिछले पेज में हमारे पास क्या था, यहाँ पे एक बार फिर लिखता हूँ मैं, हमारे पास था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अभी ये जो है अवकलन करने के लायक है, वैसे अंश बटे हर का अवकलन अभी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो कहते हैं बच्चों, पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों अवकलन करना मतलब क्या करना, डी अपॉन डी एक्स लगाना, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से ही था। अवकलन करना मतलब क्या करना, डी अपॉन डी एक्स लगाना, और यहाँ है बच्चों वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसका अवकलन करने के दो तरीके हैं, या तो आप a अपॉन b से कर लो, अंश बटे हर से कर लो, डिवाइड रूल से कर लो, या तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 हो जाएगी। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। अगर आपको a अपॉन b करके करना है बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा फार्मूला कि सिंस वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स ए अपॉन बी क्या होता है बच्चों, होता है a, फिर d अपॉन डी एक्स बी, और फिर माइनस का b, और फिर d अपॉन डी एक्स का a, ये पूरे अपॉन में b का स्क्वायर। ये फार्मूला सबको आता होगा बच्चों। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का अवकलन क्या होता है, होता है बच्चों डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और फिर a मतलब 1 हर गुणे अंश का अवकलन, मतलब 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस अंश गुणे, सॉरी गलती हो गई ना, स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं अपन हर से, बहुत दिनों बाद अवकलन पढ़ रहे हैं, देखो मिस्टेक होना चालू हो गई है ना। तो अपन यहाँ पे करते हैं, एक लाइन हमारा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ भी मैंने फार्मूला गलत किया हुआ है,
डी अपॉन डी एक्स ए और माइनस ए और डी अपॉन डी एक्स बी और फिर बी का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं बच्चों हर से, मतलब वन प्लस एक्स के स्क्वायर से। वन हर हुए अंश का अवकलन, अंश क्या है वन है, मतलब वन का अवकलन है ना बच्चों। और फिर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर क्या है बच्चों वन प्लस एक्स स्क्वायर है, अपॉन में बच्चों हर का स्क्वायर मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? प्यारे प्यारे बच्चों आप सब जानते हो कि d अपॉन डी एक्स कोई कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n क्या होता है बच्चों, एन एक्स की पावर n माइनस वन हो जाता है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू बच्चों ये वन प्लस एक्स स्क्वायर चुपचाप हम उतार लेंगे। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स वन, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे वन है बच्चों, यहाँ पे वन का अवकलन जीरो और एक्स स्क्वायर, देखो डी अपॉन डी एक्स बाहर है, वन का अलग अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का अलग अवकलन होगा, वन का अवकलन बच्चों जीरो हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा टू एक्स, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से। अपॉन में क्या है प्यारे बच्चों, अपॉन में है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों को? कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चे जरूर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको रखे रहता हूँ है ना, ताकि आपको पता चले कि अपन ने किस चीज़ का यूज किया है कहाँ पे। तो बच्चों इधर साइड हमारे पास है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, प्यारे प्यारे बच्चों ये वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। और फिर माइनस तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ बच्चों जीरो प्लस टू एक्स क्या होगा, टू एक्स होगा, 2x का 1 से गुणा 2x होगा, मतलब माइनस का 2x होगा, अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही बच्चों हमको प्रूव करना था, PROVED। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो दिया रहे उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि यदि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण चीज ये थी कि यहाँ पे क्या था बच्चों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था। d2 का मतलब है दो बार अवकलन, तो हमें चुपचाप पहले तो दो बार अवकलन कर देना है, फिर देखना है सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सिद्ध हो गया है तो कोई बात नहीं है, अगर सिद्ध नहीं हो रहा है बच्चों तो थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो बच्चे लोग ये नया तरीके से अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, आप आवाज़ वगैरह का आज बताएंगे अगर सब सही चलेगा। एक साइड से मैंने बल्ब लगा दिया है, ये जो परछाई है, जो छाया है वो बन रही है, मैं दोनों साइड से बल्ब लगा दूंगा तो छाया वाली समस्या दूर हो जाएगी। और ये जो मेरा माइक अभी काम नहीं कर रहा, फिर से अगेन नया सिस्टम है, इसकी वजह से फिर से माइक का सेटअप करना पड़ेगा, तो अगर आवाज़ कम होगी तो माइक का भी जुगाड़ करेंगे अपन। ठीक है बच्चे लोग, लाइव पढ़ाना इतना आसान नहीं है, मुझे लगता था कि नेट की स्पीड की वजह से मैं लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन प्यारे बच्चों लाइव पढ़ाने के लिए नेट की स्पीड तो यहाँ पर्याप्त है, यहाँ हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, मतलब लाइव पढ़ाने के लिए कि एक भी बफरिंग ना हो, हमारा जो वीडियो हो जाम ना हो, आवाज़ अच्छी जाए, वीडियो के साथ आवाज़ जाए, सब बेहतर करने के लिए बच्चों कम से कम जो कंप्यूटर आते हैं लाख रुपए के आते हैं, ये समझो कम से कम 80 से, फिर भी कम से कम कितना भी कम करेंगे तो 80,000 90,000 के आसपास से कंप्यूटर आते हैं, जिससे स्मूथली लाइव पढ़ाया जा सकता है। नहीं जैसे अपन लाइव पढ़ाते थे अपन फंस जाते थे, हमारा वीडियो फंस जाया करता था, आवाज़ बाद में, वो बाद में फ्रेम स्लो आते थे, ये सब समस्याएं हो रही हैं। इस तरीके से, इस वजह से अपन पैसे हैं नहीं तो रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको लाइव प्राइमर में इसको दे दूंगा। अब बच्चों अगला जो वीडियो है, अगला जो एग्जांपल है आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर है बच्चों 7, कहता है हल करके बोलें, सीधे सीधे हल करके बोलते हैं क्या दिया है ना बच्चों, सीधे अपन बोलते हैं दिया है।
क्या दिया है प्यारे बच्चों, दिया है y इज इक्वल टू cos इनवर्स x हो तो हमें क्या फाइंड करना, ध्यान दें बच्चों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोलता है। अगर अपने पास y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है तो हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। प्यारे प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कि डी टू है मतलब दो बार अवकलन करना है। तो सबसे पहले तो अच्छी हैंडराइटिंग से लिखा करो बच्चों कि दोनों पक्षों का दो बार अवकलन करना है, मतलब पहले तो एक बार करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों d अपॉन dx और cos इनवर्स x हो जाएगा। तो बच्चे लोग अब हमें पता है, सिंस वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि d अपॉन dx जो cos इनवर्स x होता है वो होता है बच्चों माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बच्चों माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बच्चों, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, मतलब फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का, है ना, यहाँ पुनः लिखना भूल गया हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स का डायरेक्ट अवकलन कर दूं मैं, क्या होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें डी अपॉन डी एक्स, क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये पेज नीचे हो गया, डी अपॉन डी एक्स और माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को यहाँ तक? अब देखो इसके अवकलन करने के अपने पास दो तरीके हैं, या तो अपन इसको अंश बटे हर करें या तो अपन टी नियम से कर लें, इसको ऊपर ले जाएं। तो इस पिछली बार अपन ने अंश बटे हर से किया था, इस बार अपन क्या करेंगे बच्चों, इस बार अपन अप्लाई कर देंगे टी नियम। तो इसको मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि हम कहां से आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने ऐसा आपके सामने इसको रख लिया, है ना बच्चों। अभी क्या करेंगे हम, अब देखो ये तो क्या रहेगा बच्चों, ये तो रहेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही रहेगा, है ना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही रहेगा बच्चों इज इक्वल टू। अभी देखा जाए इसको चुपचाप d अपॉन डी एक्स ही करें और इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लें बच्चों, तो माइनस वन अपॉन, आपको पता है बच्चों रूट एक्स को अपन क्या कर सकते हैं, x का पावर वन अपॉन टू कर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर रूट के अंदर राम है बच्चों तो इसको आप लिख सकते हो राम की पावर वन अपॉन टू, मतलब रूट का मतलब होता है पावर का वन अपॉन टू होना, है ना बच्चों। तो अभी अपन यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर में क्या लगा देंगे बच्चों, पावर में वन अपॉन टू लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो इज इक्वल टू, यहाँ अपन करेंगे डी अपॉन डी एक्स, है ना, माइनस चाहो तो बाहर ले जाओ, बाद में बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे एक हो गया ये माइनस, उसके बाद ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों पावर को ऊपर लेके आओगे तो पॉजिटिव है तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो प्लस वन अपॉन टू था, ऊपर गया तो माइनस वन अपॉन टू हो गया। अब बच्चों मैं इस माइनस को बाहर कर लूं, ये हो गया डी अपॉन डी एक्स और फिर बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में माइनस वन अपॉन टू। बच्चों आपने टी नियम में पढ़ा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा हुआ है ना, टी नियम में आपने पढ़ा हुआ है बच्चों चैन रूल में, कि हमें जब भी पावर दिखाई दे, क्या दिखाई दे बच्चों, हमें जब भी पावर दिखाई दे बच्चों डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन ऐसा कुछ दिखाई दे तो केवल और केवल ये फार्मूला लगना है एन एक्स पावर एन माइनस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों को? तो ये मुझे पावर वन अपॉन टू दिखाई दिया, मतलब ये जो है बच्चों ये एक्स के स्थान पे है,
और हमने पढ़ा हुआ है बच्चों, अगर x के स्थान पे x ना रहे कुछ और रहे तो उसे हम t समझ लेते हैं, इसे t मान लेते हैं, t मान के भी कर सकते हैं। लेकिन अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट किए हैं, x के स्थान पे अगर x नहीं है कुछ और है तो जो कुछ है बच्चों उसे अपन x समझ लेते हैं, तो इसे अपन x समझ लेंगे, समझेंगे x पावर माइनस वन अपॉन टू है। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है x पावर n का, n x n माइनस वन, तो n है बच्चों माइनस वन अपॉन टू, x है बच्चों वन माइनस एक्स स्क्वायर, x के स्थान पे जो है n x, x के स्थान पे है वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे कर दिया वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर n माइनस वन, n है माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन तो माइनस वन, और फिर बच्चों जो भी x के स्थान पे होता है उसका हम फिर से अवकलन करते हैं, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन हो जाएगा, ये हमने चैन रूल में पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करेंगे, अभी देखो तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो वन अपॉन टू और फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। अब बच्चों माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू और माइनस वन का रिजल्ट क्या होगा, आप अगर अपनी भाषा में देखो तो ये माइनस का आधा है और ये माइनस का एक है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, चिन्ह माइनस का रखते हैं, बच्चे एक में आधा जोड़ दोगे डेढ़ होगा, और डेढ़ को हम क्या बोलते हैं, तीन बटे दो बोलते हैं। अगर डाउट हो बच्चों तो आप वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट माइनस वन अपॉन टू एलसीएम लेकर कर दो, आप अपॉन तीन आएगा बच्चों, तो टू से ठीक है अपॉन में एलसीएम टू आएगा बच्चों, टू से टू कैंसिल, माइनस वन, टू का इससे गुणा माइनस टू, तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अपॉन टू, ये अपन ने डायरेक्ट भी किया था ऐसे भी आ गया, तो बच्चों इसका क्या हो जाएगा, बन जाएगा माइनस थ्री अपॉन टू, और फिर प्यारे बच्चों वन का अवकलन होगा जीरो हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बच्चों, टू एक्स होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो प्यारे प्यारे बच्चों इज इक्वल टू ये रहेगा वन अपॉन टू इन टू, पावर कभी निगेटिव नहीं छोड़ते, तो अपॉन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी, तो वन माइनस दिखाई दे रहा बच्चों को, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बन जाएगा प्लस का थ्री अपॉन टू, है ना बच्चों, और ये इन टू में क्या है, माइनस का टू एक्स है, तो बच्चों इस टू से ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो अभी अपन आगे का क्या पढ़ने वाले हैं, इसको थोड़ा सा हाँ इधर साइड घुमा दें, ऐसे घुमा दें, समझ जाना क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। वैसे भी यार आप आपको तो नोट्स साथ में बनाते चल रहे होंगे बच्चों, इधर है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों ये तो माइनस है और माइनस का एक्स है, तो माइनस का एक्स ऊपर आ जाएगा, अब अपॉन में होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू, तो मिला लें बच्चों आंसर आ रहा है, या कुछ और सिंप्लीफाई हमें करना है, सिंप्लीफाई करना होगा बच्चों तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो बिल्कुल जो हमारा आंसर आ रहा है बच्चों वो तो कुछ अजीब टाइप का है, इन्होंने अलग तरीके से सॉल्व कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, इन्होंने जो अलग तरीका अप्लाई किया है वो तरीका भी हम अप्लाई कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देख लेना, अगर आपको नहीं बनेगा बच्चों तो मैं आपको बता दूंगा ये तरीका भी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अपन ठीक है, अपन पहले ये दो क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करें और देखें कि क्या होता है रिजल्ट, आवाज़ वगैरह क्या आ रही है, उसके बाद बच्चों में आज जो है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगातार अगर इस तरीके से पेन और कॉपी में पढ़ाऊँगा तो मैं एक से दो घंटे में एक एक्सरसाइज बड़े आराम से ख़त्म कर सकता हूँ, और सारे क्वेश्चन मुझे करने नहीं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको करने हैं, अब मैं सीधा एक्सरसाइज में आ जाऊँगा, एग्जाम्पल्स आप लगा लेना, है ना बच्चों। उसके बाद अस्पष्ट फलनों का फलज हो जाएगा, अस्पष्ट फलनों का, मात्र ये दो एक्सरसाइज में हमारे टाइम लगने हैं, पॉइंट टू, पॉइंट वन और पॉइंट टू में, अगर ये दोनों एक्सरसाइज आप जल्दी से मेहनत करके फिनिश करा देते हो बच्चों तो पॉइंट थ्री के बाद तो कितना मज़ा आने वाला है आपको कठिन अवकलन पढ़ने में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम प्रयास ही करेंगे बच्चों, आज संडे है तो आज अपन पॉइंट वन और पॉइंट टू ख़त्म कर दें, ताकि कल सोमवार को अपन चार से पांच एक्सरसाइज एक ही साथ कर देंगे,
कठिन समाकलन, कठिन अवकलन की। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब बताना कि क्या ऐसा पढ़ाना चल जाएगा, अगर चल जाएगा तो बहुत अच्छे, नहीं चलेगा तो फिर देखते हैं कुछ और करना पड़ेगा, है ना। चाहे आपसे फिर मुझे चंदे ही मांगने पड़े वो लाइव वाला कंप्यूटर खरीदने के लिए, लेकिन अपन कोर्स पूरा जरूर करेंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना बच्चों। अगर दिक्कत होगी तो फिर आप सब चंदे देना मिलके, है ना। 100 लोग भी हो गए 1000-1000 रुपए हो गए तो 1,00,000 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, सिस्टम अपना आ जाएगा। लेकिन ठीक है, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है इसी को अपन और बेटर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।